आप देख रहे हैं UMH News। खुर्जा में कोरोना के प्रति बोरी नगर की जनता, मास्क और सैनिटाइजर ही एकमात्र उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, रविवार लॉकडाउन को लेकर बोले लोग। बता दें, खुर्जा नगर के कॉलेज रोड के दुकानदारों ने UMH News चैनल को बताया कि जनपद में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जनपद में कोरोना वायरस के कारण लोग आज भी संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जिस कारण से कोरोना जनपद बुलंदशहर में हावी होता जा रहा है। सुनिए नगर के लोगों ने कोरोना के प्रति कैसे किया जागरूक। क्या आप क्या करते हैं? ओके सर, आप क्या कोरोना वायरस के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? हमारी तो पूरी दुनिया में फैली है, इससे बच के रहना है और अपनी सबकी सुरक्षा रखनी है। जी, अगर ये कर्फ्यू लग जाता है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं? पूरा कर्फ्यू लगने से तो बहुत परेशानी आएगी, लेकिन आदमी खुद सोचे और खुद ही समझे और खुद ही क्या करे, अपना बचाव करे, उससे दूसरे का भी बचाव करे और अपना मास्क लगाओ, सैनिटाइज यूज करो और अपना काम करो और बचाव से करो, जिससे कि सब काम चलते रहें, काम भी ना रुके और वायरस भी ना फैले। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज वर्मा है। आप क्या करते हैं? मेरा ज्वेलरी का कारोबार है। जी, आपकी कर्फ्यू के बारे में क्या राय है? अगर कर्फ्यू लग जाता है तो? अगर कर्फ्यू लग जाता है तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, गरीब लोगों को परेशानी होगी, जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं उनके साथ बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हालातों को देखते हुए समय की डिमांड भी है कि कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, तो मेरी राय में तो कर्फ्यू लगाना उचित है। मेरा नाम सुनूर है। आप क्या करते हैं सर? मेरी मोबाइल शॉप है, इस पर आप बैठे। ओके सर, ये कोरोना वायरस के ऊपर आप क्या राय देना चाहते हैं? कोरोना एक तरीके का संक्रमण है जी, जो आदमी की इम्यूनिटी को कमजोर करके उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, जिसके अंदर ताकत नहीं होती जी, उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी ठीक होती है वो उसे बचा ले जाता है अपने आप को। कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए सर? मास्क लगाए, रेगुलर हाथ धोते रहे, कम लोगों से मिले, जितना कम हो बाहर निकले, इससे ज्यादा हो क्या कर सकता है। अगर हमारे यूपी में कुल्फू लगता है तो इससे क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी होगी या नहीं? परेशानी तो आम जनता को होगी ही होगी जी, क्योंकि कर्फ्यू एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी बहुत सारी चीजों के लिए, जरूरत की चीजों के लिए परेशान हो जाता है जी, लेकिन अगर जरूरी हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जीवन से ज्यादा जरूरी कुछ चाहिए। क्या? चेतन शर्मा। ओके, आप क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ, यहाँ जो बैठा हूँ अपने बिजनेस पर ही हूँ। ओके सर, आप कोरोना वायरस के बारे में क्या राय देना चाहते हैं? कोरोना इस समय जग जाहिर है, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है जी, तो इसमें राय नहीं, इसमें कार्य मांगता है सर जी, कि हमको करना क्या है जी। भाई, गवर्नमेंट हमारे पीछे डंडा लेके चले ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, जैसा कि हम रोज देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि सब हॉस्पिटल फुल हो चुके जी, वो गलती हमारी है, हॉस्पिटल फुल नहीं हो सकते थे यदि हम नियम और कानून का पालन करते रहते पिछले लॉकडाउन की तरह जी, तो शायद आज देश में ये ऐसी स्थिति नहीं होती। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमको इस वक्त बहुत सोचपूर्ण काम करना होगा, गवर्नमेंट के अनुसार नहीं, तो गवर्नमेंट हमको हाँके तब, गवर्नमेंट ने जो हमको गाइडलाइन दी है उसका एक स्थिर सा अनुपालन हम लोग करें, और मेरा मानना यह है कि पूरी देश दुनिया यदि हमने इस चीज़ को माना, अपने मुंह पे मास्क लगाया, हाथ धोया, प्लस यदि हमें कोई ज़रूरी काम है आवश्यक तो ही हम जाएं, भीड़ भड़ो से दूर रहें, यानी कि जो दूरी हमारे मीडिया द्वारा बताई जा रही है कि दो गज की दूरी, दो गज नहीं चलो एक गज की दूरी, दूरी पर हमें काम करना होगा जी। आप कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए सर? कोरोना वायरस केवल एक ही रास्ता है, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करें, खाने पीने पर ध्यान दें, इधर उधर लोगों के साथ खड़े ना हो, उठपटांग बातों में विश्वास ना करें जी। लोग भ्रमित करते हैं, भ्रम से कुछ नहीं होने वाला जी। बात होगा हमारे करने से होगा, लोग अफवाह फैलाते हैं, उस अफवाह पर हमें ध्यान नहीं देना होगा। क्या है? अनिल अग्रवाल। आप क्या करते हैं सर? स्टूडियो वर्क है हमारा। ओके, आपको कोरोना वायरस के ऊपर क्या क्या राय देना चाहते हैं? ये एक बीमारी है
और इससे बचा बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए जी, और दूरियां बनाए रखें। ओके, अगर ये कल्फू लग जाता है तो इससे क्या परेशानी होगी? हमें व्यापार में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जी, जैसे देख रहे हैं आप शादी ब्याह के काम चालू होने वाले हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, व्यापार में बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है। गरीबों पे क्या क्या बीतेगी अगर ये कल्फू लग जाता है तो, कैसे करेंगे वो अपना बचाव? वैसे परेशान है और लग जाएगा तो और ज्यादा परेशानी है, सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो कल्फू लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए? कल्फू की जगह और कुछ करा जाए, थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हो जाएगी कल्फू लगने से जी। आप कुछ कहना चाहते हैं कोरोना वायरस के ऊपर? दो गज दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें जी। ओके सर। सर आपका नाम क्या? संजीव तायन। ओके, आप क्या करते हैं? ये हमारी फोटो की शॉप है। ओके सर, आप कोरोना वायरस के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जी कहना चाहेंगे एक दूसरे से बच के रहें, दो गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन कर रहें, हाथ सैनिटाइजर करके रखें। अगर ये कल्फू लग जाता है हमारे यूपी में तो आपकी इसकी क्या राय? हमारे व्यापार तो बहुत फर्क पड़ेगा जी, पहले ही एक साल से बेकार हुआ पड़ा है और व्यापार बेकार हो जाएगा। ओके, हमारे जीवन पर कोरोना वायरस का क्या असर हो रहा है सर? जी सब बीमारियाँ फैल रही हैं तरह तरह जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप बताइए? जी यही कहना चाहेंगे, बच कर रहें, दो गज की दूरी बना कर रखें जी, और सरकार कर्फ्यू ना लगा के कोई और नई कदम उठाएं इस पर तो ज़्यादा बेहतर है, कर्फ्यू ना लगाएं। तो ये वैक्सीन लगाई जा रही है, लगवानी चाहिए फिर? जी बिल्कुल लगवानी चाहिए जी। और कुछ कहना चाहते हैं? बस ये कहना चाहते हैं कि सरकार लॉकडाउन या कर्फ्यू ना लगाए, कोई और कोई उचित कदम उठाए जी, मतलब कल्फू नहीं लगाया जाए जी, नहीं लगा। कोई और कार्य करेगा जाए। हाँ, कोई और कोई उचित कदम उठाया जाए जी जी जी। ओके सर। यूएमएच न्यूज के लिए खुर्जा से अनुकी रिपोर्ट। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल यूएमएच न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, एवं यूएमएच न्यूज पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528 4130 80 पर।